नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स बाय अवनीश सर में। और आज हम यूपीटीईटी और सीटीईटी में ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाने वाले इस एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कई बार पूछा गया है। 2012 में भी आया था, 2017 में भी आया था। 2017 का यूपीटीईटी में जो क्वेश्चन आया था उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, और इसकी जो ट्रिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप पलक झपकते ही इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर दें। ट्रिक आसान है फ्रेंड्स, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको ये मेथड पूरा क्लियर हो जाए और आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। यूपीटीटी 2017 में एक क्वेश्चन आया है, भाग 4 गणित में, और क्वेश्चन नंबर 97 इसका नंबर था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है। इसमें दे रखा है फ्रेंड्स, अगर इसकी 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 गुणा करनी पड़ जाए या हम गुणा करें, तो बिना गुणा करे आप बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले हमें करना क्या है, इकाई का अंक निकालना है, तो हम सबके इकाई के अंक देख लेंगे। इस संख्या का इकाई अंक 8 है, इस संख्या का इकाई अंक 6 है, इस संख्या का इकाई अंक 9 है, इस संख्या का इकाई अंक 2 है। तो हमें फ्रेंड्स करना क्या है कि इकाई के अंक जितने भी हैं इन सबकी गुणा करनी है। लेकिन हम गुणा ऐसे नहीं करेंगे, हम गुणा में क्या करेंगे, इसे फ्रेंड थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिख देता हूं। तो यहाँ 8 है, 6 है, 9 है और 2 है, तो हमें करना यह है, और इसकी गुणा करते हैं, 9 दुनी 18, यानी दो दो के हमने जोड़े बना लिए और दोनों की गुणा उनके नीचे लिख दी, 8 चंग 48, 9 दुनी 18। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसका इकाई अंक देखेंगे और इसका इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक इसका 8 है और इसका 8 है, इन दोनों की गुणा आ जाएगी 8 गुणा 8, तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स 8 अट्ठे 64। 64 में इकाई का अंक क्या है, 4, यही हमारा उत्तर है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा आई होप। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं कि हम किस तरह से करा है। हम क्या करते हैं, जो भी संख्याएं दे रखी हैं गुणा में, उनके गुणनफल करने के बाद इकाई का अंक क्या आता है, ये हम डायरेक्टली बताते हैं, मेंटली कैलकुलेट करके बताते हैं। एग्जामिनर हमसे उम्मीद रखता है कि आप डायरेक्ट बताओ, ना कि इसको टोटल गुणा करो और बहुत टाइम वेस्ट कर दो। तो ये 2 सेकंड 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा, आप देख चलिए। अभी तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ आपको, इसलिए लिखना भी पड़ा, नहीं तो डायरेक्ट हो जाता। जैसे 8 की और 6 की गुणा करेंगे, 8 और 6 8 चंग 48, बाकी के दोनों हम लिख दिए 9 और 2, इकाई का अंक है 9 दुनी 18। 48 और 18 में इकाई का अंक ढूंढ लो हमें, यानी जो भी आप गुणा करोगे उसका इकाई का अंक ढूंढ लो। तो यहाँ 48 में 8 आ गया और 9 दुनी 18 में 8 आ गया। अब इन दोनों को ले लो इकाई के अंक को, तो इसका 8 और इसका 8 दोनों इकाई के अंक, 8 अट्ठे 64। अब 64 में ढूंढ लो इकाई का अंक क्या है, तो 64 में इकाई का अंक क्या है, 4। तो 4 हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं कि हमारा जो प्रैक्टिस है हो गई नहीं होगी, देखते हैं। गुणा करनी है, इकाई का अंक बताना है, सबके इकाई के अंक ढूंढ लेते हैं क्या क्या होंगे। इसका है 8, इसका है 2, इसका है 0 और इसका है 5। तो फ्रेंड करना क्या है, आप इस क्वेश्चन में इस तरह से देखिए कि अगर यहाँ 0 ना होता तो हम गुणा करके देखते, इनके जोड़े बनाते, लेकिन हमें दिख रहा है कि इकाई का अंक यहाँ 8 है, यहाँ 2 है और यहाँ 0 है। तो फ्रेंड यही यही इकाई का अंक इस संख्या का 0 है, इसलिए आप कुछ भी गुणा करो, कुछ भी करो, लास्ट में इन सब की गुणा करने पर इकाई का अंक 0 ही आएगा, यानी इस 0 ने सबको 0 बना दिया, सोचने की जरूरत नहीं है। इस तरह क्वेश्चन में अगर आपको कहीं इकाई के अंक पर 0 मिल जाए किसी भी संख्या के, तो आप आंख बंद करके इसका ऑप्शन सी लगा दो, यानी आंसर 0 टिक कर दो, वही होगा। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए, अगर किसी की क्लियर नहीं हुआ है डाउट या फंडा, तो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे मान लिया अगर एक क्वेश्चन 5 8 9 3 4 7 8 4 4 2 9 1, हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, और हमें इसमें भी क्या करना है, इन सब की गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आएगा ये बताना है। तो फ्रेंड्स सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ये होगा कि इकाई का अंक उतार लेते हैं इनका सबका। ये 9 है, 9 उतार लिया, ये 7 है, ये 7 उतार लिया, ये 4 है, ये हमने 4 उतार लिया, ये 1 है, ये हमने 1 उतार लिया। और एग्जाम में ये ऐसे नहीं करना उतारना, ये तो मैं समझा रहा हूँ, इसलिए आपको ये सब करना पड़ा, नहीं तो आपको ये सब माइंड में कैलकुलेट करना है, और आप प्रैक्टिस करोगे, 2-3 क्वेश्चन करके देखोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आंसर सीधे आएगा। अब देखते हैं ये सबकी इकाई के उठा ली हमने, इनकी गुणा करेंगे हम, तो इनकी गुणा में भी 2 2 के जोड़े बना लो, 9 7 63, इसमें 63 आया, इन दोनों की आई 4 एकम 4, यानी इकाई का अंक तो 4 ही आ गया इसमें। इसका इकाई का अंक फ्रेंड्स क्या आया, 3, और इसका इकाई का अंक आया 4। अब इनको उठा लो, 3 और 4,
इन दोनों का आंसर आ गया 3 चौक 12। अब देख लो फ्रेंड्स, इसमें इकाई का अंक क्या आया, लास्ट में जो आंसर आया हमारा 2, तो इसका इकाई का अंक हमारा हो जाएगा, इकाई का अंक 2 हो जाएगा, यानी इन सबकी गुणा करेंगे तो हमारा इकाई का अंक आंसर आ गया हमारा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो जब डालूंगा किसी भी कंसेप्ट पे तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको पता चल जाए और आप वीडियो आप देख पाओ। तो फ्रेंड मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में जो डालने वाला हूँ वो किस टॉपिक पर आधारित होगी या किस तरह के क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, टॉपिक वही स्टार्ट करूंगा, मैं वही लूंगा, डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में आया है, उससे बाहर फिलहाल अभी मैं कोई क्वेश्चन आपको नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि सबसे पहले हमें वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जो हमारे लास्ट ईयर में एग्जाम्स में आए हुए हैं, क्योंकि उन्हीं के बेस पे हमें नए नए क्वेश्चन और मिल जाएंगे, तो पहले वो तो पक्के कर लें जो एग्जाम में 100% आने हैं घुमा फिरा के। तो देखते हैं फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूं कि वीडियो क्या है। इस नेक्स्ट वीडियो में सीटेट 2012 और 2016 में जनवरी और फरवरी में कक्षा 1 से 5 तक के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक जैसा ही ये क्वेश्चन है। जैसे आपको क्या दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है कि एक पैटर्न दिया गया है, 1 और 1 की गुणा करने पे 1 आया, 11 और 11 की गुणा करने पे 121 आया, 111 की गुणा करने पर ये आया। तो आप देख रहे हो कि सर्टेन पैटर्न बनना है, कुछ पैटर्न बनना है, लॉजिक बन रहा है। आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो उसका डायरेक्ट आंसर बता दोगे, ये आंसर कैसे आएंगे फ्रेंड्स और इसका आंसर क्या आएगा। एक क्वेश्चन ये आया है, क्वेश्चन नंबर 110 था, ये 2016 में आया है सीटेट में, और ये क्वेश्चन नंबर 37 था जो 2012 में आया है, सेम क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। तो मैं बता दूंगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे करने हैं, हो सकता है ये इस बार भी आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।